चिंता और बीमारी को, आलस चिंता और बीमारी को हम दूर भगाएंगे खेल कूद व्यायाम कर हम फिट इंडिया बनाएंगे, हम फिट इंडिया बनाएंगे। आदरणीय निर्णायक मंडल संगोष्ठी के अध्यक्ष, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं अंशिका यादव, डॉक्टर सुदाम शाह, बाल विद्या मंदिर, कन्या इंटर कॉलेज 10वीं की छात्रा, आज इस भाषण प्रतियोगिता में फिट इंडिया मूवमेंट पर अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम फिटनेस का शाब्दिक अर्थ होता है स्वस्थ रहना। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2019 के अवसर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया मूवमेंट का प्रारंभ किया। भारत के लोगों के समग्र स्वास्थ्य की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को चलाया गया, क्योंकि जब हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं तो किसी भी कार्य में अपना 100% देते हैं और पूरी एकाग्रता से उस कार्य को पूर्ण करके सफलता को प्राप्त करते हैं। और कहा भी गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो हम किसी भी कार्य को सफलता से करते हैं। किसी भी देश की प्रगति का आधार उसके प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है, और इस आंदोलन का यही उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक शारीरिक रूप से फिट रहे। वर्तमान परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि आज हमारे भारत में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से फिट हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे युवा या भारत के सभी, लगभग में सभी लोग भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं। वो विभिन्न प्रकार के धूमपान, जंक फूड, फास्ट फूड, शराब, गुटखा आदि का सेवन करते हैं और खुद को हानि पहुंचाते हैं। ऐसा करके वो न केवल व्यक्तिगत रूप से खुद को हानि पहुंचाते हैं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को भी हानि पहुंचाते हैं। ये हमारे देश के युवा जो कि आजकल इन सभी चीजों का शिकार है और ये अधिकाधिक बीमारियों का कारण है। इसी वजह से न जाने कितनी माता बहने अपने सहारों को, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, न जाने कितनी औरतें विधवा हो जाती हैं और न जाने कितने घर उजड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि कठिन परिश्रम सफलता की पूंजी होती है, लेकिन ये कठिन परिश्रम तभी हम कर पाएंगे जब हम फिट होंगे शारीरिक रूप से। और फिट रहने के लिए सबसे आवश्यक है हमारी अनियमित दिनचर्या नियमित हो, उसमें संतुलित आहार, व्यायाम, खेल कूद, योगा आदि शामिल हो। जरूर भारत युवाओं की जनसंख्या में सबसे अधिक माना जाने वाला देश है, लेकिन बीमारी का संक्रमण इसे भी प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ के युवा जो भारत का भविष्य है, उज्जवल भारत का भविष्य है, जो हमारे भारत के आधार स्तंभ है, वही लड़खड़ा रहे। क्या ऐसा भारत विकसित देश बन पाएगा? क्या ऐसा भारत जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं, जिसकी सुनहरे और उज्जवल भविष्य की हम कल्पना कर रहे हैं, क्या ये वास्तविकता में परिवर्तित हो पाएगा? क्योंकि हमारे युवा भारत के आधार स्तंभ ही लड़खड़ा रहे हैं, तो कैसे ये विकसित देश बन पाएगा? इसलिए इनका यही कारण है कि लोग अनियमित दिनचर्या को अपना रहे हैं, संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं, व्यायाम खेल कूद का तो नामो निशानी नहीं उनकी दिनचर्या में। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी अनियमित दिनचर्या को नियमित करे, संतुलित भोजन करे। लोग समझते हैं कि संतुलित भोजन तभी संभव है जब हम अपनी सीमा से अधिक पैसे खर्च करते हैं और तभी हम फिट रह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कम पैसों में भी संतुलित भोजन करके, खेल कूद, व्यायाम, योग आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ रह सकते हैं। सुंदर होने के लिए लोग पता नहीं कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं जो कि महंगे आते हैं और हमारे लिए उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको इस्तेमाल करते हैं। इनके स्थान पर हम योग को अपने जीवन में अपना सकते हैं और कम पैसों में और वास्तविक रूप से सुंदर, फिट और स्वस्थ रह सकते हैं। जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो भारत स्वस्थ होगा, और जब भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा तो वो अपने भारत वर्ष के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे पाएगा। इसलिए आज आप सभी को अपने आप से ये वादा करना है, ये प्रण लेना है कि हर दिन शारीरिक गतिविधियों, खेल कूद, व्यायाम, योग आदि के लिए समय निकालेंगे। अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों को और भारत को, पड़ोसियों को स्वस्थ रहने के लिए और भारत को एक फिट राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। परिवर्तन आज जरूरत है तो केवल परिवर्तन की, और ये परिवर्तन की शुरुआत हमसे स्वयं से ही हो सकती है। जो परिवर्तन हम दूसरों में देखना चाहते हैं उसे पहले हमें अपने अंदर समाहित करना होगा, तभी हम सक्षम हो पाएंगे कि हम दूसरों को उस परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सके। अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम सब लगभग में जानते हैं कि हम सबके अंदर एक भारत है, तो उसी पर मेरी दो पंक्तियां हैं। मैं भारत हूँ, मेरी कलाओं में फिटनेस है, मेरी विरासत में फिटनेस है, मेरी कलाओं में फिटनेस है, मेरी विरासत में फिटनेस है, मेरी संस्कृति में भी फिटनेस है और मेरे खेलों में भी फिटनेस है, मेरे खेलों में भी फिटनेस है।
हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया। स्वस्थ हो देश हमारा, विकसित हो राष्ट्र हमारा। श्री एडवर्ड स्टेनली ने एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कही थी कि जो लोग सोचते हैं उनके पास व्यायाम करने का समय नहीं है, उन्हें जल्द ही किसी बीमारी के लिए समय निकालना होगा। श्री एडवर्ड स्टेनली के कहे गए इस कथन को हम सभी जानते हैं और इससे सहमत भी हैं। और सच्चाई यह है कि हम सबको यह भी पता है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और हमारे दिन की शुरुआत स्वस्थ हो, ये भी हम चाहते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर इस तथ्य पर सामना करें और इसको अपने जीवन में वास्तविक रूप दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और मेरे अनुमान से लगभग 20% लोग अपने जीवन में व्यायाम का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार हम मिट्टी में कोई बीज बोते हैं और उसको थोड़े टाइम तक पानी देते हैं तो हम देख सकते हैं कि कुछ समय के बाद उसमें से एक पौधा उगाता है। उसी प्रकार अगर हम उस मिट्टी में पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे बोएंगे तो क्या आपको लगता है कि उसमें से कोई बीज या कोई पौधा उग सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें कोई जीवन नहीं है, वो जीवित भोजन नहीं है। हमें खाना है फल, सब्जियाँ, दालें, ये सब जीवित भोजन है। जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारी शक्ति में नया संचार करते हैं, नई ऊर्जा का संचार करते हैं और हमारे शरीर के हानिकारक विषाणुओं से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करते हैं। हमारे पूर्वज चूल्हे पर खाना बनाते थे और उसको तभी खाकर खत्म करते थे, परंतु वर्तमान में हम उसी खाने को फ्रिज में 4-4 दिन रखते हैं और उसको रख कर खाते हैं, तो उसके पौष्टिक तत्व तो सारे खत्म हो चुके होते हैं। यही कारण है हमारे अस्वस्थ रहने का। तो आइए आज इस मौके पर हम सभी ये शपथ लेते हैं कि स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित भी करेंगे, क्योंकि जब हम विकसित होंगे तभी हमारा राष्ट्र भी विकसित हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। संगोष्ठी के अध्यक्ष समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं, मैं हर्षा मसूर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा, आपके सामने फिट इंडिया मूवमेंट के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्र आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से फिटनेस को अपनी जीवन शैली बनाने का आग्रह किया। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के खेल आइकन मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपने खेलों और तकनीकों से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके पदक न केवल उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है बल्कि एक नए जोश, एक नए भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। फिट इंडिया मूवमेंट का एक राष्ट्रीय लक्ष्य है जिसकी आकांक्षा बनना चाहिए। राष्ट्र को प्रेरित करने के प्रयास में फिट इंडिया मूवमेंट भले ही सरकार द्वारा शुरू किया गया हो, लेकिन यह लोगों के लिए है जिन्हें इसका नेतृत्व करना चाहिए और इसे सफल बनाना चाहिए। इसका उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना है। सफलता फिटनेस से संबंधित है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारे सभी आइकनों की सफलता एक समान बात है। यहाँ उनमें से ज्यादातर फिट हैं, फिटनेस में ध्यान केंद्रित करते हैं और फिटनेस के शौकीन हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी शारीरिक क्षमता को कम कर दिया है और हमसे हमारे दैनिक दिनचर्या फिटनेस को दूर कर दिया है और आज हम अपनी पारंपरिक प्रथाओं और जीवन शैली से मुंह मोड़ चुके हैं। आज समाज में फिटनेस को कम प्राथमिकता दी जा रही है। पहले एक व्यक्ति 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलता था या फिर साइकिल चलाता था, लेकिन आज मोबाइल ऐप्स हमें बताते हैं कि हमें कितने कदम चलना है। मॉल्स या ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर एस्केलेटर और सीढ़ियाँ दोनों ही होती हैं, लेकिन हम एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सीढ़ियों पर चढ़ने से हम थक जाएंगे, हमें बहुत पसीना आएगा और एस्केलेटर पर चढ़ते ही हम पैर रखते ही अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे, लेकिन उस टाइम तो हम अपने आराम देखते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उसका असर हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा। इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है, इसलिए हमें ज़्यादातर सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। हमें व्यायाम करना चाहिए, खेलना कूदना, यह सब तो हमें बचपन से ही पसंद होता है, लेकिन कहते हैं कि टहलने से, पैदल चलने से हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे। और पैदल चलने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और अपने परिवार के सदस्य को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम सबके लिए
स्वस्थ भोजन बहुत ही जरूरी है, लेकिन आज हम अपने जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो फायदे हम स्वस्थ भोजन हमारे शरीर को देता है वो हमें आज की जनरेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपने भोजन में स्वस्थ भोजन को शामिल करने लगे तो वह जीवन भर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। स्वस्थ भोजन न केवल हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि हमें एनर्जी देता है, इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। इसलिए अगर आप भी अपना जीवन में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहना होगा, क्योंकि इस कविता में सही कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। खासकर विद्यार्थी जीवन में स्वस्थ का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वह अपने आप को दूसरों से कमजोर समझने लगेगा। इसलिए हमें तीनों समय संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए। स्वस्थ है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। स्वस्थ है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। आज भारत में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। आज देश में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मामले बढ़ रहे हैं। क्यों 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 यह होना आम भी है, क्योंकि हम दिन भर मोबाइल फोन में पबजी गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। करने का समय नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमार पड़ने के लिए समय निकालना ही पड़ता है। इसलिए अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट भी जीवन शैली में बदलाव लाने का एक प्रयास है। आज किसी भी पेशे के लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही खुद को सफल बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका शरीर फिट है तो आप मानसिक रूप से भी फिट होंगे। जब आप अपने शरीर को खेलों का सीधा संबंध फिटनेस से, जब आप अपने शरीर को युद्ध के लिए तैयार करते हैं तो आप उसे लोहे की तरह मजबूत बनाते हैं। फिटनेस हमारी ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने के लिए हमें स्वस्थ जीवन, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज का यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का एक रास्ता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है, विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में योग, व्यायाम, पौष्टिक आहार, खेलकूद को शामिल करना चाहिए। इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होगा, ही साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य सर्वोत्तम होगा, जिससे नवीन ऊर्जा और शांत शक्ति प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जन जन तक संदेश पहुंचाना